प्रतापगढ़ की दो नाबालिग सगी बहनों की मथुरा में उनके ननिहाल में माँ बाप द्वारा जबरन शादी करवाने का मामला सामने आया है। इस शादी से बचने के लिए यह नाबालिग बहनों ने मथुरा से भागकर फरदाबाद स्थित चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की शरण ली। गौरतलब है कि बल्लभगढ़ के सोतई गांव की रहने वाली एक लड़की हरियाणा बोर्ड से 12वीं की परीक्षा 72% अंकों से पास कर चुकी है, जबकि छोटी बहन 10वीं की परीक्षा 71% अंकों से पास कर चुकी है। ये दोनों बहनें ही नाबालिग हैं, जिन्हें इनके माँ बाप ने मथुरा स्थित ननिहाल में एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था, जहाँ इनके साथ जबरन शादी करने को लेकर मारपीट की जा रही थी। अपने आप को शादी से बचाने के लिए दोनों बहन मथुरा से भागकर फरीदाबाद स्थित चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हेमा कौशिक से मिली और मदद की गुहार लगाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हेमा कौशिक ने बताया कि बीते अप्रैल महीने में उन्हें सूचना मिली थी कि सोते गांव के रहने वाली दो नाबालिग बहनों की उनके माँ बाप जबरन शादी करने की नीयत से उन्हें मथुरा ले गए, जिस पर उस समय उन्होंने मथुरा के SP संपर्क साधा और इस शादी को रुकवाने के लिए कहा। इस पर मथुरा पुलिस ने बच्चियों को ननिहाल पहुंचकर कार्रवाई करते हुए शादी को रुकवा दिया था और बच्चियों के बयान दर्ज कर लिए गए थे, जिसमें इन बच्चियों ने जबरन शादी करवाए जाने की शिकायत दी थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने बताते हुए कहा वह चाहते थे कि बच्चियां फरीदाबाद वापस आएं ताकि उनकी निगरानी समय समय पर की जा सके, लेकिन परिजनों ने इन्हें मथुरा ननिहाल में ही रोक लिया था, जिसमें कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इस कहानी में दूसरा मोड़ उस समय आया जब एक बार फिर इनके माँ बाप ने इनकी शादी करने की प्लानिंग कर ली, जिसे देखकर बच्चियां मथुरा से भागकर मदद के लिए उनके पास पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। बच्चियों के अनुसार उनके माँ बाप ने वहाँ कमरे में बंद करके रखा हुआ था, जिनसे मारपीट भी की जा रही थी। कारी ने बताया कि अब उन्होंने महिला बल्लभगढ़ थाने में सूचना दे दी है। पुलिस के आने के बाद बच्चियों के बयान दर्ज कर इन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और इन बच्चियों को शेल्टर होम में जगह दिलवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह बच्चियां अच्छे अंकों से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर चुकी हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं। उन्होंने पेरेंट्स से भी अपील की इतने पढ़ने लिखने वाली बच्चियों को जबरन शादी में ना झोंक कर इन्हें पढ़ने दिया जाए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। वहीं अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए मथुरा से भाग कर आई दोनों नाबालिग बहनों ने बताया कि पहले अप्रैल में उनकी शादी जबरदस्ती मथुरा में करवाई जानी, जिस पर उन्होंने फरीदाबाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन करके सूचना दे दी, जिस पर उन्होंने उनकी मदद करते हुए ये शादी रुकवा दी और यह नंबर उन्हें स्कूल में एक अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान बताए गए थे, जिसे उन्होंने नोट कर लिया था। बच्चियों ने बताया कि अब एक बार फिर उनकी जबरन शादी करवाने की तैयारियाँ की जा रही थी, जिसमें उसके माँ बाप और ननिहाल वालों के अलावा उनके मौसा भी शामिल हैं। शादी से बचने के लिए वो भाग कर यहाँ मदद के लिए आई और आगे पढ़ना चाहती है। इन नाबालिग बहनों की बहादुरी देखकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और पुलिस भी इनकी कायल हो गई है। जाहिर सी बात है कि इन बच्चियों के उठाए गए कदम से अन्य नाबालिग बच्चियों को प्रेरणा मिलेगी, जिनके माँ बाप उनकी जबरदस्ती शादी करवाते हैं और उनका भविष्य खराब कर देते हैं। पहले हम यहाँ पर रहते थे सोते में, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे नाबालिग की शादी करने के लिए मथुरा ले गए थे हमारे नानी मामा के पास। वहाँ पे हमने अपने माँ बाप से मना किया था, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, शादी करवाने के लिए ज़बरदस्ती करवा रहे थे। लेकिन हमें फिर हेमा कौशिक मैम का नंबर पता चला, जैसे कि प्रोग्राम में आती है मैम, तो वहाँ पर उन्होंने नंबर बताया था अपना, तो हमें वहाँ से पता चल गया और हमने मैम के पास कॉल भी की थी। मैम ने यहाँ से वहाँ पर कॉल करके उसमें पुलिस थाने में, तो उन्होंने हमारी शादी पहले रुकवा दी थी। अब हम यहाँ वो हमारी दोबारा शादी कर रहे हैं। कितने टाइम पहले रुकवाई थी? अप्रैल में रुकवाई थी। अच्छा, अब वो हमारी दोबारा शादी कर रहे हैं, तो हमने मैम का नंबर फिर से डायल किया और उनसे मदद मांगी और हम यहाँ पे रात को आ गए। अब कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने टेंथ कर ली। कितने नंबर आए आपके टेंथ में? 71। अच्छा, आप आगे पढ़ना चाहते हैं? हाँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन माँ बाप का आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? नहीं। कौन कौन लोग हैं जो मतलब आपके जबरन शादी कराना चाह रहे थे? एक तो नानी है और एक मामा जी और मम्मी पापा हैं और एक कहला रही तो मौसा जी है, वो है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17 साल में चल रही है। हमारे घर वाले जबरदस्ती शादी कर रहे थे नाबालिग की, वो हमें शादी करने के लिए हमारे नानी के यहाँ पर ले गए थे, लेकिन हमको मैम का नंबर पता चला और हमने मैम ने शादी लिखवा दी थी और फिर वो दोबारा शादी कर रहे थे, इसीलिए हमने रात को चले थे, सुबह को यहाँ पर आ गए थे। आपकी कितनी उम्र है और अभी कौन सी क्लास आपने पास की है? मेरी सत्र
अभी 17 साल उम्र है और 12th परसेंट पास किया। कितने नंबरों के साथ पास किया? 70%। तो आपको मतलब माँ बाप पढ़ाना नहीं चाह रहे थे? कौन कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उनके जो आपकी जबरन शादी कराना चाह रहे थे? मेरे मामा थे कुलगा, उनका नाम मेरे मौसा जी थे, उनका नाम राकेश है, मम्मी पापा थे। तो आपके साथ मारपीट भी की गई थी? हाँ। मेरा नाम हेमा कौशिक, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर कम चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। ये जो आज बच्चियाँ आई हैं दो मेरे पास, ये दोनों नाबालिग बच्चियाँ हैं। ये अप्रैल में मेरे पास एक फ़ोन आया था कि इन नाबालिग बच्चियों की शादी मथुरा इनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती ले जाके कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे बल्लभगढ़ एरिया के हैं, सोतई गांव है, वहाँ के ये बच्चे हैं। तो फ़ोन आने के बाद मैंने मथुरा की ASP से कोऑर्डिनेट किया और इनका पता बताया कि ये बच्चे अपने मामा के घर कहाँ हैं। वहाँ मथुरा पुलिस ने इन बच्चों को रिकवर किया और इन बच्चों का बयान लिया। इन बच्चों ने बताया कि ज़बरदस्ती इनकी शादी की जा रही है, जो इन बच्चियों की वहाँ शादी रुकवा दी गई। उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की कि ये बच्चे वापस फरीदाबाद आएँ, चूँकि ये नाबालिग हैं और इनके गार्जियन इनके माता पिता हैं, वो इनको ला नहीं रहे थे, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। और आज ये रात को ये बच्चियाँ मथुरा से भाग के वापस मेरे पास महिला थाना सुबह मिली हैं। ये बच्चों का कहना है कि हमारे माँ बाप ने हमें वहाँ एक कमरे में बंद कर रखा था, हमारे साथ मारपीट हो रही थी और ज़बरदस्ती दोबारा शादी का दबाव बनाया जा रहा था। जो हमें एक आशा की किरण यही दिखी कि मैम के पास चलते हैं, मैम हमारे को फिर बचाएंगी, फिर हमारी शादी होने से रुकवाएंगी। जो ये बच्चे इस विश्वास के साथ मेरे पास आए हैं, अभी मैंने इनको अपने महिला थाना बल्लभगढ़ बात की है, वहाँ से IO बुलवा के इनको हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पेश करेंगे और इनको सेफ शेल्टर होम में जगह दिलवाएंगे। फिर उसके बाद इन बच्चियों की पढ़ाई के लिए भी ध्यान देंगे। ये बच्चियाँ कितनी पढ़ी हुई हैं? ये एक बच्ची ने 10वीं की हुई है और एक बच्ची ने 12वीं की हुई है। और काबिले तारीफ बात ये है कि हरियाणा बोर्ड से 10वीं वाली बच्ची के 71% मार्क्स हैं और 12वीं वाली बच्ची के 72% मार्क्स हैं। मेरी देखिए पेरेंट्स के पास भी यही एक अपील है कि इतने पढ़ने लिखने वाले बच्चे जब हैं, जब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको पढ़ने दें, कृपया करके इन बच्चों का भविष्य ना खराब करें। हम बार बार यही अपील करते हैं कि बच्चों को देखो पढ़ने दीजिए ताकि ये अपने पैरों पर खड़ी हों और इज्जत से अपनी रोटी कमाएं।